गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8। हम आज पढ़ेंगे व्याकरण। आज हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमें पढ़ना है वर्ण विचार। ओके, वर्ण विचार। तो वर्ण क्या कहलाता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब कि वर्ण से अब और छोटा उसे नहीं किया जा सकता, है ना? तो वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। आज हम उन्हीं वर्णों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर वर्ण क्या है। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों, माता जी ने बच्चों से कहा आज बारिश आने वाली है। कोई भी शब्द ले लीजिए कि जैसे माता ने कहा बच्चों से कि आज बारिश आने वाली है, तो यह वाक्य कितने शब्दों से मिलकर बना है? आज बारिश आने वाली है, तो ये वाक्य है। वाक्य में कई शब्द मिले हुए हैं। देखिए, आज बारिश आने वाली है, इसमें जो है पांच शब्द हैं। पांच शब्दों से मिलकर के ये एक वाक्य तैयार हुआ है, है ना? तो ये क्या है? वाक्य है जो जिसमें कि कई शब्दों का मेल हुआ है, कई शब्दों का मेल हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है? वाक्य बन गया है। ठीक है, अब हम इसको अगर हम शब्द में करें तो शब्द बन गए, पांच शब्दों में अलग किया तो ये बने पांच शब्द। ठीक है, देखिए जैसे आज बारिश आने वाली है, अब आज को हम और छोटा करें तो वाक्य से शब्द बन गया, और शब्द से जो ये बना वर्ण। तो किससे बना? बड़ा आ प्लस ज, हलंत लगा दिया, मतलब कि बिना आ के जा, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर रहित होते, मतलब स्वर उनमें लगा ही रहता है, बिना स्वर की सहायता के व्यंजन बोले ही नहीं जा सकते, है ना? अगर बोलना है तो बोल तो सकते ही नहीं, लिख सकते हैं, हलंत लगा दिया तो मतलब इस ये जो है स्वर रहित व्यंजन हो गया। ये कि हलंत लगाने से क्या हो गया कि ये स्वर रहित व्यंजन हो गया। तो आ प्लस ज प्लस आ, अब हम इससे छोटा करना चाहें तो अब हम इससे छोटा नहीं कर सकते। तो वाक्य से बनाया शब्द, शब्द से बनाए ये वर्ण, तो ये क्या हो गए? वर्ण है जो कि अब इनसे छोटा नहीं किया जा सकता, ये वर्ण कहलाते हैं। ठीक, तो हमारी परिभाषा मिल गई जो अभी मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो अब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते इसलिए ये वर्ण है। ठीक, इतना समझ में आया? इसी तरह इसमें बारिश में भी है, आने में भी है, वाली में भी है और है में भी है, आपकी बुक में है, इसे देख लेंगे आप। इन वर्णों को और नहीं तोड़ा जा सकता। इस प्रकार वर्ण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। वर्ण के बारे में आप ये बातें आप जान सकते हैं, जानते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा का आधार है, बिना वर्ण के कोई भाषा का निर्माण हो ही नहीं सकता। जब वर्ण होगा तब शब्द बनेगा और शब्द से ही वाक्य बनेगा। अगर काखा गाघा ही ना बनता आपसे, इसलिए तो सबसे पहले आपको काखा गाघा बताया जाता है। अगर आपसे का से या तक और आ से आह तक नहीं बनता आपसे, तो आप हिंदी कैसे पढ़ना और बोलना सीख लेते, है ना? तो सबसे पहले वर्ण जो है भाषा का आधार होता है। बिना आधार के तो भाषा बोली ही नहीं जा सकती। तो वर्ण क्या है? भाषा का आधार है। ठीक है, ये उसका एक लक्षण है। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण को आगे और नहीं तोड़ा जा सकता। ये भी आपको मैंने ऊपर बताया कि वर्ण को और नहीं तोड़ा जा सकता। हर भाषा में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है ना? देखिए, इंग्लिश में अलग संख्या अलग होती है और हिंदी की के वर्णों की संख्या अलग होती है। वर्णों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। जब कई वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द बनता है। तो शब्द की परिभाषा मैंने आपको बताई थी पिछली कक्षा में कि शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो जब वर्ण कई वर्ण मिलते हैं तो शब्द का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो मैंने आपको पिछली बार अभी बताई थी वही परिभाषा आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये नई परिभाषा लिख, जिन्हें याद हो जाए लिख लीजिए, लेकिन यह बार बार कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार इसी तरह लिखते रहेंगे, बदलते जाएंगे परिभाषाएँ, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे।
इसलिए जो मैंने आपको पिछली बार आपको परिभाषा लिखाई थी आपको याद भी हो गई है, वही परिभाषा फिर से लिख लीजिए कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसमें भी वही चीज़ बता रहा है, वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुँह से निकली आवाज़ जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें। बात वही है, लेकिन आप बार बार फिर परिभाषाएँ याद करोगे फिर गलत कर लोगे, ठीक है। इसलिए आप वही परिभाषा लिखना जो आपने अभी पिछली कक्षा में लिखी थी। इसके बाद है हिंदी वर्णमाला। जब सभी वर्ण क्रमबद्ध समूह में लिखे होते हैं तो वह वर्णमाला कहलाते हैं। जब सभी वर्ण क्रमबद्ध समूह में क्रम रूप मतलब क्रम मतलब में रखना मतलब लाइन से रखना है ना, तो क्रमबद्ध रूप में जब लिखे होते हैं तो हम उन्हें वर्णमाला कहते हैं। तो अभी तो हम ये वर्ण पढ़ रहे थे और जब कई वर्णों को क्रम से रख दिया गया तो वो वर्णमाला कहलाती है। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। देखिए स्वर, स्वर क्या कहलाए, छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ए ऐ ओ औ, ये क्या है, स्वर है, ठीक है। स्वर क्या कहलाए, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, ये आ छोटा आ से लेकर के औ तक के जो ये वर्ण हैं ये क्या कहलाए, स्वर कहलाए, ठीक है, इतना समझ में आया। और जो ये काखा का से स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं, ये देखिए काखा का लिखा हुआ है, का ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ व भ म, ये का से लेकर के मा तक के अक्षर जो है किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। का से लेकर के मा तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन को तीन भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तीन ये पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो पहले तो तीन भागों में बांटा गया, पहले तो आप इन्हें पहले ध्यान से देखिए कि तो कौन कौन से हैं। पहले स्पर्श व्यंजन, तो का से मा तक, फिर अंतःस्थ व्यंजन जो कि अंतःस्थ मतलब बीच के, जो कि स्पर्श और ऊष्म के बीच वाले क्या कहलाते हैं, अंतःस्थ कहलाते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से कहलाएंगे, य र ल व, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन, वो व्यंजन जिनको मुंह से बोलने से ऊष्मा निकलती है वो क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, तो मुंह से मुंह के अंदर से गर्मी सी आवाज़ और हवा निकलता है, ये हवा निकलती है इसलिए उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श स स ह, तो इसमें ऊष्मा निकलती है इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों के मिल कर के जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, तो ये क और छ से मिलकर के बना है तो ये छ बन गया, क आधा स्वर रहित क और छ से मिलकर के बना संयुक्त व्यंजन। त्र, त और र से मिलकर बना, ये व्यंजनों के मेल से बना। ग, ग और या से मिलकर बना। स्र, स्रा और रा से मिलकर बना, तो ये संयुक्त व्यंजन है, छ त्र ग्य और ये श्र, श्रमिक वाला श्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर अयोग वा क्या कहलाते हैं, अंग और आहा। अभी यहाँ पर औ तक आपने देखा तो अंग आहा कहाँ गया आपको लगता रहा होगा, तो ये जो अंग और आहा है वो क्या कहलाएगा, अयोग वा कहलाएगा। अनुस्वार, अंग को हम अनुस्वार कहते हैं और आहा को हम विसर्ग कहते हैं, ओके। अनुनासिक, अनुनासिक अंग चंद्रबिंदु जिसमें लगी रहती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अतिरिक्त व्यंजन, ड और ढ, ड और ढा क्या कहलाए, ये अतिरिक्त व्यंजन कहलाए, ठीक है। तो व्यंजन को इस तरह बांट दिया गया अलग अलग, उनके नाम अलग अलग कर दिए गए, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, आपको आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए नेक्स्ट पेज में आइए,